डेविस एंड मोरे की थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। डेविस एंड मोरे ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी सोसाइटी ऐसी की नहीं है कि जो स्ट्रेटिफाइड है, जो स्ट्रेटा है वो एग्जिस्ट करते ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स। ठीक है, इसमें ये था कि जैसी पोजीशन वैसा ही रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड्स अटैच टू द पोजीशन, पोजीशन जैसी रहेगी वैसा ही उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ पोजीशन इंपॉर्टेंट है, सम पोजीशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, तो हायर रिवॉर्ड्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से टैलेंट की कमी है, तो इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम चाहिए, स्किल चाहिए, तो इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए ना चाहिए ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है उन्हें स्किल सेट अपना बनाने में, ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये सब चीज़ें काम होने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसे कंपनसेट करने के लिए हमें हायर रिवॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। डेविस एंड मोरे के हिसाब से ये था थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है इसलिए कि जैसे रोल दिए गए हैं, मैकेनिज्म ऑफ रोल एलोकेशन, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है फिल्ड बाय मोर इंपॉर्टेंट पीपल, क्यों? क्योंकि किसी से बेनिफिट होगा सोसाइटी का, बट इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। मेलविन ट्यूमिन बिगेस्ट क्रिटिक्स हैं इनके, उन्होंने कहा कि कोई पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कि आप डिटरमाइन कर सको सोशल पोजीशन में इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी पोजीशन की, ये आप कैसे पता करोगे? टैलेंट किसी में नहीं है या एबिलिटी नहीं है, कैसे मेजर करोगे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर किसी को मिली ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो ये बेटर है कि नहीं? तो क्रिटिक्स इन्होंने अच्छे से किया क्रिटिसिज्म इनका। स्ट्रेटिफिकेशन इनके हिसाब से एक्स्ट्रा से बैरियर का काम करता है, जो मोटिवेट नहीं करता लोगों को, क्योंकि इन्हें इक्वल मौका नहीं मिलता। तो डेविस एंड मोरे ने क्लेरिफाई किया कि रिवार्ड देना जरूरी है, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड देना जरूरी है, क्योंकि सारे लोग अगर स्किल जो लेने के लिए दौड़ेंगे तो वो उन्हें कुछ मिलना चाहिए तभी वो दौड़ेंगे ना, वो टाइम एनर्जी मनी अपना इन्वेस्ट करेंगे, जो कि अनस्किल्ड लेबर में ज़रूरत नहीं है उन सारी चीज़ों की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि रिवार्ड मिलना चाहिए। ये था क्लेरिफिकेशन। मॉडर्न सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन अगर लोगों को उसी के उन्हीं के हिसाब से काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो सोसाइटी में एक वो फंक्शन मुश्किल हो जाएगी करवानी। तो उसने कहा है कि स्ट्रेटिफिकेशन और रिवार्ड जरूरी हो जाता है इस चक्कर में, अगर रिवार्ड जरूरी है तो स्ट्रेटिफिकेशन अपना खो जाएगा। यही थी डेविस एंड मोरे की थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन।